कोई भी सरकार हो उसको ईगो नहीं पालना चाहिए कि हड़ताल चल रही तो इसलिए नहीं होगा। हाँ। है उसको करना ही चाहिए। इस सरकार ने, मैंने कई बार आपसे कहा है बिल्कुल जी सर, जीडीएस की काया पलट में, जीडीएस के जीवन शैली को बदलने में इस सरकार ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, ये काम और करना चाहिए। बिल्कुल जी सर, कि हमारी हड़ताल चल रही है तो उस नाते जीडीएस का नहीं होगा। ये जो इसको क्या कहें, बाल हट कहें, तो गवर्नमेंट तो में बहुत मेच्योर लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, और कोई हम दूसरी यूनियन तरह नहीं है। सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय मजदूर संघ के निर्देश पर और भारतीय पोस्टल इम्प्लाइज फेडरेशन की सलाह के बाद भारतीय ईडी यूनियन हड़ताल पर गई है। जी सर जी, हम रोज रोज हड़ताल करके अपने इस देश को अपना देश समझते हैं, हम रोज रोज हड़ताल करने के हैबिचुअल नहीं है जी, लेकिन इतने समर्पित भाव से काम करने वाले अगर हम लोग आज हड़ताल किए हैं, 40 साल में पहली बार किए हैं जी, तो उस मनोभावना समझना होगा जी सर। और सरकार को फिर मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ सरकार से कि सरकार को जिद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार थोड़ी देर, अरे हम लोग एक एक आदमी, मैंने सोचा हुआ है, मैंने जनरल सेक्रेटरी भारतीय ईडी यूनियन से मैं चर्चा कर रहा था कि हड़ताल खत्म होते जैसे जीडीएस कमेटी की रिपोर्ट लागू होगी जी, एक एक कर्मचारी 10-10 पोस्ट कार्ड लिखेगा, और जिनसे हम मिले हैं, आडवाणी जी को, राजनाथ सिंह जी को, रविशंकर प्रसाद जी को, वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी को, प्रधानमंत्री जी को, अपने मंत्री जी को हम कहेंगे, माफी भी मांगेंगे और उनको बधाई भी देंगे कि हमारे नाते जो दिक्कत हुई वो सारा काम हम खत्म कराएंगे, आपने बड़ा बन करके आपने इसको लागू कर दिया, और हम धन्यवाद भी भिजवाएंगे। हम वो यूनियन नहीं कि मेरा काम बन गया उसके बाद हम जीत गए, भाई जीत गए, इसमें जीतने जैसा कुछ नहीं है। सरकार ने जानबूझ करके कहीं कमेटी की फाइल को, हो सकता है उनके प्रोसीजर में कहीं कुछ फॉल्ट रही हो, हाँ। लेकिन जानबूझ करके मंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री जी, इन लोगों ने फाइल को डिले नहीं किया है जी। तो मेरा जो ये रेल रोको ये सब कर रहे हैं, ये सब बहुत अच्छे लोग नहीं है, जान रहे हैं, जिसको मैं अच्छा मानता भी नहीं हूँ। आपकी हड़ताल डाक विभाग में है जी। और आप रेल रोक करके आम नागरिक को कष्ट दो, ये देश अपना है, जो नागरिक मानिए उस रेल में कोई बीमार यात्री यात्रा कर रहा हो, कोई प्रेगनेंसी में हो जी, तो उसको रोक करके तुमको क्या मिलने वाला है। सरकार हमारे आंदोलन के नाते ही सरकार सुबह से शाम तक हर अप्रोच कर रही कि स्ट्राइक खत्म हो, है अब थोड़ा सा इस स्ट्राइक में, मैं कहना नहीं चाहता था जी, आपसे कह दें, थोड़ा सा इस स्ट्राइक में क्रेडिट लेने का भी चक्कर चल रहा है। जी सर, क्रेडिट का भी चक्कर चल रहा है जी जी। तो कल हम तो विचार कर रहे थे, लेकिन हमने कहा भैया हम कुछ बोल दें उसके बाद पूरे देश का जीडीएस उल्टा सीधा बोलने लगे, तो जब जीडीएस कहेगा तभी वापस लेंगे। ओके।